स्कूल कॉलेज में ड्राइंग करने के लिए, मकानों की छतों पर पेंट करने के लिए, शेविंग करने के लिए या फिर किसी न किसी जगह आपने पेंट करने वाले ब्रश का इस्तेमाल जरूर किया होगा। अक्सर बच्चे और कभी कभी बड़े लोग भी पेंटिंग करते समय इस ब्रश को पेंसिल की तरह मुंह में भी ले लेते हैं, लेकिन शायद आज के बाद आप ऐसा करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। जब मैंने इसके बनने में उपयोग होने वाली चीजों के इतिहास पर नजर डाली तो मुझे कुछ ऐसे अनसुलझे तथ्य मालूम पड़े जिनका उपयोग आज तक हम इंसान करते आ रहे हैं। इसके बनने में शुरू से ही जानवरों के बालों का उपयोग होता आया है, और जिस जानवरों के बालों का उपयोग इसमें सबसे ज्यादा होता है वो है पिक के बाल। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये परंपरा आज तक हम इंसानों में चली आ रही है। हालांकि पक्षियों के पंख और घोड़े की पूंछ के बालों से भी ब्रशेस बनाए जाते हैं, लेकिन पिक्स के बालों के आसानी से मिल जाने के कारण सबसे ज्यादा इसी का उपयोग इसमें किया जाता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आसानी से और इतनी बड़ी तादाद में ब्रशों के बनने के लिए बाल कहाँ से आते होंगे, तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि दुनिया में लगभग 2 अरब की तादाद में पिक्स रहते हैं, और ट्विस्ट ये है कि इनमें से लगभग आधों को सिर्फ मांस के लिए ही हर साल मार दिया जाता है। अब क्योंकि इनके बाल इतने टाइट होते हैं तो इनसे मिलने वाले बालों का उपयोग शेविंग और पेंटिंग करने वाले ब्रशेस में किया जाता है। वैसे तो ये ब्रशेस नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स दोनों से मिलकर बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे माने जाने वाले ब्रशेस को इन्हीं के बालों से मिलकर बनाया जाता है। शायद आपको एक और बात जानकर हैरानी हो, लेकिन ये जानवर वीडियो गेम भी खेल सकता है। जी हाँ, इन्हें काफी चालाक जानवर माना जाता है। ये आसमान की तरफ मुंह उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी आंखें इनके सिर के किनारों पर होती हैं। इनके शरीर में पसीना छोड़ने वाली ग्रंथियां भी नहीं होती, और इसी वजह से ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ वगैरह में रहते हैं। इन ग्रंथियों के ना होने की वजह से ही इसके शरीर की त्वचा में इतने सारे इन्फेक्शंस के जर्म्स पाए जाते हैं, जो इंसानों के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। काफी समय पहले फैले स्वाइन फ्लू के बारे में आप जानते ही होंगे। स्वाइन का मतलब ही पिग होता है, और क्योंकि ये बीमारी पिग से ही इंसानों में पहुंची थी, इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू रखा गया था। जहाँ गाय, घोड़े, भेड़ और हिरण जैसे जानवर अपनी लात मारकर वार करते हैं, वहीं पिक्स ऐसे जानवर होते हैं जिनमें काटकर वार करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। पिक्स के बाइट से इंसानों के अंदर कई तरह के इन्फेक्शंस नोटिस किए गए हैं। जितने भी केसेस इस तरह से इनके काटने की वजह से हुए हैं, उनमें सेल्यूलाइटिस, एब्सेस फॉर्मेशन, पैथोजींस, ह्यूमोलोटिक स्ट्रेप्टोकोकी, पोस्टुरली बैक्टीरियोइड एस्प और एस्चीरिया जैसे इन्फेक्शंस नोटिस किए गए हैं। इनमें से कुछ स्किन इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिससे स्किन पर फोड़े निकल आते हैं, स्किन लाल हो जाती है, और ऐसे ही दूसरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनमें भी कुछ इन्फेक्शंस का अगर आप समय पर इलाज नहीं करें तो वो इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि उसकी जान तक ले सकते हैं। बहामास देश में एक चीज ऐसी है जो हर साल हजारों टूरिस्ट को यहाँ आने पर मजबूर करती है। मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं, ये कोई गलती से यहाँ नहीं आए, बल्कि इन्हें यहाँ जानबूझकर लाया जाता है और बाकायदा पाला जाता है। और इतना ही नहीं, इस बीच आप इनके बहुत नजदीक जाकर इनके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। जब तक ये बच्चे रहते हैं तब तक तो यहाँ आने वाले पर्यटकों को इनसे कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये बड़े हो जाते हैं इनके कामों में भी कुछ इस तरह के बदलाव देखे जाते हैं। एक फिटनेस मॉडल मिशेल लेविन ने काफी समय पहले अपने साथ हुई ऐसी ही एक घटना का वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर ऐसे एक अटैक को दिखाया था। ये बाइट कितना जोरदार था, इस बात का अंदाजा आप इस बाइट को देखकर लगा सकते हैं। इस तरह इन जानवरों के साथ स्विमिंग करने का आइडिया अब से लगभग 4 साल पहले बैचलर्स के दिमाग में आया था, लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब ये जानवर यहाँ मौजूद लड़कियों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके काटने के किस्से ज्यादा आपको सुनने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शांत स्वभाव के जानवर होते हैं और कुछ खास परिस्थितियों में ही इस तरह आप पर हमला करते हैं। इन्हें भी हम इंसानों की तरह सपने आते हैं, और ये एक दूसरे के साथ अपनी भाषा में खूब बातें भी किया करते हैं। इंसानों के पास सिर्फ 9000 स्वात कलिकाएं ही होती हैं, जबकि इनके पास यही 15000 स्वात कलिकाएं होती हैं। मतलब ये इंसानों से भी ज्यादा तरीके के स्वादों को चख सकते हैं। और हाँ गाइस, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि दुनिया में बेकार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और ये जानवर भी हमारी प्रकृति में इस कुदरत को बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। लेकिन जब हम इंसान प्रकृति में इस तरह छेड़छाड़ करते हैं
तो उसका खामियाजा स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां बनकर ही हमारे सामने आता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो जैसी आपकी मर्जी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।